Here we go. हाँ जी, we're back again, back to back shoots. बहराम काजी इधर ही है मेरे साथ, कहीं नहीं गया. और अब हमने बात करनी है जो हमने लास्ट एपिसोड में बताया था. बहराम, अपडेट ये है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला है कि इंडिया तो नहीं जा रही भाई पाकिस्तान, हमारे मैचेस करवाओ कहीं और पे. I'm shocked, Sadi. ये कैसे हो गया? I mean, no one saw this one coming, did they? मैं बताता हूँ कैसे हुआ. BCCI, Jay Shah from BCCI, BJP CCI called Jay Shah in the ICC कि Jay Shah's Indian team is not traveling to Pakistan. आगे और नहीं आता Jay Shah. और ये Champions Trophy अब होगी Champions Trophy. मतलब काफी chances हैं अब तो Champions Trophy हो. एक जरा shocking इसमें और भी चीज ये थी, actually shocking, not sarcastic shocking. जल्दी बता दिए. हाँ. मतलब usually तो you know नक्के पे जाके. Thank you for that. Yeah. Thank you for giving us a couple of months to process this, right? But we knew like this would happen. अगर आप हमारा podcast follow कर रहे हैं तो पहले दिन से, जब से हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की है या चैंपियंस ट्रॉफी की, हमने यही बोला कि ये नहीं आएगी इंडिया. और मुझे तो लगता था कि ज़रा कोई एंड ऑफ दिसंबर जनवरी में जाकर बोलेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, चलो शुक्र है वो नवंबर में ही बात कर ली है. बट एज मैनी ऑफ यू हु फॉलो मी ऑन ट्विटर में नो, मेरे हिसाब से तो एक ही रिस्पॉन्स बनता है उस पर. आपने तुम जब भी नैकर्स की बात करते हो, नैकर्स उसको चार चीज़ें कहते हो, जिसके अंदर एक चीज़ होती है के वो मीठी चाय मंगवा दी है तूने. सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट ये तो शरबत मंगवा दी है तुमने मुझे. मैंने थोड़ी मंगवाया, नोमी को पूछो यार. नोमी, तू भी पता भी है फीकी पीता हूँ मैं, अब क्या करें. अच्छा, नैकर्स को तुम बोलते हो कि चार चैंपियंस, चलो बता दो. हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराएं, अगर इंडिया नहीं आता तो बाकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए, इंडिया के मैचेस बाहर होने चाहिए, हम बोलते हैं. आई एम फाइन विद दैट एंड आई विल टेल यू माय एंटायर थॉट प्रोसेस. दूसरी चीज थी कि वुमेन्स पीएसएल करा दें. तीसरी चीज थी कि स्टेडियम अपग्रेड टाइम में करा दें अब, क्योंकि करा तो आपने दिए, चलो गुड ऑन यू फॉर दैट वन. और चौथी चीज थी कि पे योर प्लेयर्स, मेन एंड वुमेन. आई डोंट नो इफ दैट्स हैपेंड येट और नॉट, बट यू नीड टू डू दैट. अच्छा, तो इंडिया तो नहीं आ रहा, ये तो पक्की बात हो गई. ये तो मतलब हमें शुरू से ही पता था. एंड द राइटिंग वाज ऑन द वॉल. आई डिड नॉट सी अ वर्ल्ड इन व्हिच इंडिया वुड विजिट. अ लॉट ऑफ पीपल हु आई स्पोक टू, नॉट इंपॉर्टेंट पीपल बट जनरली पीपल विद इन क्रिकेट एंड एवरीथिंग, सम ऑफ देम सेड कि यू नो चांस है इंडिया आ जाए, ये वो. जयशंकर भी आया. मैं हमेशा अपना स्टांस एक ही रखा है कि इंडिया नहीं आएगा. लाइक दिस, डिस्पाइट जयशंकर कमिंग हियर, डिस्पाइट देयर कबड्डी टीम कमिंग हियर, टेबल टेनिस टीम कमिंग हियर, रेसलर्स आए हैं, रेसलर्स कमिंग हियर, डिस्पाइट देयर ब्लाइंड क्रिकेट team getting their NOCs to come here and trade that goes on between the two countries. Despite all of that, क्रिकेट टीम थोड़ी स्पेशल है शायद. हाँ, सिक्योरिटी रिस्क क्रिकेट टीम को है, बाकियों को नहीं. और मेरे ख्याल से सिक्योरिटी रिस्क इस दफा उन्होंने कंसर्न अपना रेज भी नहीं किया. बाकी माइट नॉट बी इंडियन इनफ, राइट? आई डोंट नो मैन. पॉइंट इज दैट दिस इज क्लियरली ए पावर मूव वर्सेस पाकिस्तान. और वही यू नो बुली जो थ्रोट है वो जूते के नीचे रखनी है, वो वाला सीन है. एंड इट इज स्ट्रेट अप बुलिंग. एंड कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि ऑन व्हाट बेसिस कैन यू कॉल देम अ बुली. आई वाज लाइक, जेशिया कप मैन, वी हैव गॉट प्रेसिडेंस फॉर दिस. क्या था वो हाइब्रिड मॉडल? तो थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन. हाँ, थोड़ी सी. हम तो कहते हैं कि you're living in fool's paradise if you think that इंडिया doesn't bully. हम तो कहते हैं कि पीसीबी पीचेबी है. और नैकर्स भी गवर्नमेंट ही है पाकिस्तान. he is the अमित शाह ऑफ पाकिस्तान. हम नकवी को क्रिटिसाइज करते हैं, हम उससे पहले जो भी चेयरमैन आए उनको क्रिटिसाइज करते हैं. पाकिस्तान में जिस तरह हुकूमत चलती है उसको क्रिटिसाइज करते हैं हम. यहाँ के लोग जब कोई गलत स्टेटमेंट देते हैं तो उनको क्रिटिसाइज करते हैं. जहाँ पे वो रिलीजियस हेटरेट फैलाते हैं उनको करते हैं, बिल्कुल करते हैं. लेकिन थोड़ी सी आप लोग भी इंट्रोस्पेक्शन कर लो. और मुझे पता है हम फर्स्ट टू कॉल आउट पाकिस्तान. हमें पता है कि इस पॉडकास्ट पे जितनी गालियां पड़ेंगी उतनी आज तक नहीं पड़ी होंगी. हम रेडी हैं गालियों के लिए. आपकी अपनी गलती है भाई, सोच लो. मतलब आई मीन समटाइम्स लिटरली डू नॉट गिव अ शिट. मोर ऑफ्टन देन नॉट यू विल प्रोजेक्ट योर हेट्रेड, योर ओन हेट्रेड जो आपके जहन और दिल में बसी हुई है, आप हमारे ऊपर फेंकते हो. तीन चार लोग आएंगे. तीन चार नहीं, तीन चार लोग जो हमेशा आते हैं वो आके इस पे भी करेंगे. बोलते रहो यार. या बोलते रहो भाई. खैर, पॉइंट इज नवंबर में ही, अर्ली नवंबर में बता दिए बीसीसीआई ने आईसीसी को कि इंडियन गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी. तो चलो, ये तो हमें पता ही था एक तरह से. और you know, we'll come to the PCB's response as well. But first, I just want to kind of reiterate my notion, which you might have read on Twitter because that tweet did go viral. एक तो वो बड़ी बकवास होती है, गलती से कोई tweet viral चली जाती है, इतनी गालियाँ सुनने को मिल जाती हैं. और वो भिकारिस्तानी, पोर्की, पेट्रोल चाहिए, आटा चाहिए, इसके नीचे भी आएंगे. हाँ, और भी चीज़ें. इंडिया की बात ही क्यों कर रहे हो तुम? बाय द वे, अगर हम नहीं, आज तक कमेंट्स मॉडरेट नहीं किए, वो यूट्यूब खुद ही निकाल देते ये जब टेररिस्ट और ये वो बोलते हैं। टेररिस्ट तो रोज का सुनते हैं ना, सो कम अप विद समथिंग न्यू ताकि आपका कमेंट हमें शो हो। इट्स दैट सेम बुलशिट स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन। भाई मैं तो नहीं हूं ना भाई कोई टेररिस्ट, मुझे क्यों अगर बोलते हो, सही है। एनीवे मुझे पता था यही होगा, आई हैड टू से व्हाट आई हैड टू से एनीवे एंड देन आई जस्ट काइंड ऑफ चेकड आउट ऑन ट्विटर लाइक वाज चेकड आउट द आईपीएल फॉर अ बिट दो, जस्ट फॉर अ नाइट, राइट। आई वाज लाइक यू नो मेरे घर पे डांस प्रैक्टिसेस हो रही हैं शादी वादी की, आई एम गोना एंजॉय विद माय फैमिली, यू नो आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस बुलशिट। But yeah, my point was that I made is that Pakistan now need to use the only chip that they have on the bargaining table, and they should forfeit the India game at the Champions Trophy. Exit. Yeah, they should forfeit. That is the last resort. I don't think it's the last resort. You concede the points. Fuck it. No. That is the last resort. Because उससे पहले भी चीजें हैं, लेकिन I do agree with this. If need be, अगर वहाँ तक बात पहुँच गई, तो I don't mind. ले लो पॉइंट्स, I don't mind a hybrid model in the sense कि चलो इंडिया ने अपनी गेम में खेलनी है, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगा खेल, पाकिस्तान नहीं जाएगा खेल, बाकी जाए खेलने जिन्होंने खेलना है। पाकिस्तान कैन कंसीड द पॉइंट्स, दैट्स फाइन बाय मी। क्या है चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है डिफेंडिंग चैंपियंस है, बट यू देन पुट योरसेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू डिफीट न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश, पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। सेमीफाइनल में आई ट्रस्ट मी, पाकिस्तानियों से ये है मेरी बात, अगर दरख्वास्त है कि दरख्वास्त नहीं बात है, मैं बता रहा हूं कि होगा क्या। अगर ये कर देते हैं ना ये वाली मूव के वहां तक बात आ गई है, पाकिस्तान कहता है ले लो पॉइंट्स हमसे और हम सेमीफाइनल के लिए नहीं क्वालिफाई करते, किसी को कोई इशू नहीं, किसी को इशू सारे खुश होंगे। इफ एनीथिंग आई विल बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान और द पीसीबी फॉर शोइंग सम स्पाइन। और सेमीफाइनल और फाइनल में भी, सेमीफाइनल में तो नहीं आ सकता, फाइनल में भी अगर इंडिया के साथ मैं तब भी फॉरफिट कर दूं, यहां आओ खेलो, नहीं आ सकते कंसीड द ट्रॉफी, आप बन जाओ इस तरह के चैंपियन, ले लो टाइटल। चैंपियन ही बनोगे फिर, चैंपियन तो नहीं बनोगे। और अभी तो भाई जय शाह ने आना है ऑफिस में, अभी तो December 1st हुई नहीं है, राइट। I don't know, like I don't see things getting any better for Pakistan cricket when he is at the helm of affairs. But you know, असली तौर पे क्या होना चाहिए? असली तौर पे आओ दो सेकंड। Let's go back to 1996. Principles, right? 1996 World Cup, श्रीलंका was a co-host. श्रीलंका में हालात खराब थे, सिविल वॉर, whatever. The Asian teams took a stand for Sri Lanka and they made sure कि हम वर्ल्ड कप में भी जाएं, वैसे भी टूर करें, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन वेस्ट इंडीज did not go to Sri Lanka and they forfeited those games. They conceded the points. असली तौर पे तो इंडिया को भी concede करने चाहिए, मगर इंडिया तो कह रहा पूरा टूर्नामेंट हमने पाकिस्तान में नहीं खेलना और कहीं जगह है ही नहीं मैच। तो यार बस पे अगर आपने UAE में खेलना है तो आई हैव नो इश्यूज विद दैट, पाकिस्तान नहीं जाएगा। मैं तो होता अगर इंचार्ज तो मैं पाकिस्तान को मत भेजता। यार अगर ICC के रूल्स पढ़ो ना तो सीनियर, इफ दे रिफ्यूज टू कम, इंडिया रिफ्यूजेस टू कम टू पाकिस्तान, क्योंकि हुआ नहीं है इस तरह हाइब्रिड मॉडल ICC टूर्नामेंट्स में, राइट। तो the next qualifier जो भी टीम होगी that replaces that which is Sri Lanka this is according to the rules, होगा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। We all know how cricket is run, हो सकता नहीं है and I agree with that। यार देखो इंडिया के बगैर आप ICC ट्रॉफी रख ही नहीं सकते unless India was the 9th team I suppose that was the only way। और दूसरी चीज ये यार कि look let's not kid ourselves, India brings in a lot of money into cricket. 90% of the revenue generated in cricket is via India. उनकी broadcast deals तुम देख लो तो हाथ में आ जाती है, सही है, इसमें कोई शक नहीं है। And they take back what 40-50% I think. तो वो तो अपना high ground लेते होंगे, moral high ground, क्योंकि यार हम लाते इतने हैं मगर लेते तो कम है। But you know you can't just get or continue to get trampled on by the bully, like you've got to show some self-respect over here, right? कसम है, ये तो बात honestly self-respect है। और इसीलिए ठीक है, अब मैं hindsight में देखता हूँ ना तो नजम सेठी अगर उस वक्त स्टैंड ले लेता ना, नजम सेठी, मैंने नजम बोला, मैंने नजम बोला क्यों? वो हम करते होते हैं ना चीज की। अच्छा he's a poem now नजम उस वक्त ले लेता ना स्टैंड तो शायद आज ये वाली सिचुएशन। अली सेठी का नाम नजम सेठी होना चाहिए। एनीवे सॉरी, हाँ वो ले लेता स्टैंड, सॉरी सादी। तो अभी ये वाली सिचुएशन ना होती, पाकिस्तान इस सिचुएशन में शायद ना होता। थोड़ा सा सिचुएशन इन हेवन, ओह यू आर करना होता। हाँ वो जाके बच्चे की वीडियो देखो, अच्छी वो आपने जो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया एशिया कप का, कि आप पहले यहाँ खेल रहे हो पाकिस्तान में, फिर श्रीलंका जा रहे हो, फिर पाकिस्तान आ रहे हो, फिर श्रीलंका जा रहे हो, बेड़ा गर्क हो गया आपका। यू हैड फटीग इज वेल, आपकी टीम अब जाकर थोड़ी बहुत रिकवर की है उसके बाद, उसके अलावा टूर्नामेंट की जो वैल्यू थी वही डाउन हो गई। दैट ड्रेडफुल रिजर्व डे फ्रॉम हेल, जो कि इसी वजह से हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जरूर हो। विच कम्स टू माई ओरिजिनल पॉइंट, वाई डू आई वॉन्ट पाकिस्तान टू फोरफिट द इंडिया गेम स्पेसिफिक? Because that India-Pakistan game generates hundreds and millions of dollars. that one game alone पूरे टूर्नामेंट से ज्यादा कमाती है, पूरे टूर्नामेंट से ज्यादा कमाती है. दैट वन गेम अलोन हेल्प्स फंड द क्रिकेट ऑफ लेसर एंडाउड टेस्ट नेशंस. ठीक है, अब किस वो मेरा पुराना कॉलीग है अरहम ग्रास रूट्स का लेग साइड हैक, उसने लिखा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप सेपरेट कर दो. हाँ यार, इन थ्योरी तो कर दो, मगर वो कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि वो पैसे चाहिए. तो यार एक ही आपके पास लेवरेज वाली चीज है, वो गेम हटा लो अपने आपको वहां से, कर दो कंसीड पॉइंट्स. और असूली तौर पे तो इंडिया को करने चाहिए कंसीड पॉइंट्स, असूली तौर पे होना यही चाहिए. ये मुझे तो दो लोग नहीं, जो लोग आकर बोलते हैं कि ओ बट आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोको, इसमें दो तीन चीजें मैं बोलना चाहता हूँ. सही है, सबसे पहले तो लेट्स नॉट प्रिटेंड कि ये एक तरफ से होता है. ठीक है, ताली दो हाथ. और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कसूरवार नहीं है इसमें. आई हेट द फॉरेन पॉलिसी दैट पाकिस्तान हैज टेकन ओवर 100%. ये जो आपने जो मिलिटराइजेशन की है ना रिलीजन के नाम पे, दैट हैज दिस हैज एक्चुअली बिटन पाकिस्तान इन द एस. राइट, मैं आपके साथ हूं यहाँ पे. जो कोई इफ एनीवन हैज लॉस्ट देयर लव्ड वंस टू टेररिज्म ऑन द इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर एज वेल, आई सेंड माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस. आई डू नॉट स्टैंड फॉर एनी ऑफ दैट क्रैप. ओके, और इसकी सजा क्या आप पूरे मुल्क को दोगे? क्रिकेट क्या हम नहीं खेलना डिजर्व करते? मेरी बात यह है, देखो ठीक है, हाँ हमारी बहुत ज्यादा गलती है, हम दोनों एग्री भी करते हैं इस बात पे और हम काफी वोकल भी हैं इस चीज पे. यस, लेकिन देन अगेन ताली एक हाथ से नहीं बजती गाइस, ताली दो हाथ से बजती है. और अगर आप वॉर पे होते हो ना, प्रॉक्सी वॉर्स दोनों लड़ते हैं मुल्क भाई, देखो डिफरेंट जगहों पे. एक होता है जेनोसाइड, ठीक है, जो एक यक तरफा होता है. यस, ओ डैम यार, मतलब बड़ा बड़ा तूने वर्ड यूज कर दिया, यक तरफा, सो प्राउड ऑफ यू. और दूसरा होती है वॉर या प्रॉक्सी वॉर, वो दो साइड से ही होती है, चल रही है भाई इधर. आपको पता ही है कि किस तरह का सिस्टम है, सो डोंट प्रिटेंड लाइक इट्स वन साइडेड. एंड आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तानी गलती नहीं है इसमें. इफ एक्चुअली यू सिट डाउन एंड लुक एट इट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वुड हैव डन डिफरेंटली इफ आई वाज रनिंग द कंट्री. बहुत ज्यादा गलती है यार, बहुत ज्यादा गलती. खैर, अब आपके पास यही सिचुएशन रह गई कि इंडिया के बगैर तो चैंपियंस ट्रॉफी हो नहीं सकती. शायद इस पे भी आज शायद हमारी ज्यादा गलतियां 100% मैं मानता हूं इस बात, मैं मान लेता हूं. मिलिटराइजेशन ऑफ और मेनस्ट्रीम करना जिहादिज्म को, ये पाकिस्तान का कसूर है. और पूरा उस चीज का जो मतलब है वो चेंज कर दिया ना. सो अगर हमारी 65% गलती भी है, 75% गलती भी है, तो बाकी आपकी भी गलती है भाई. और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हो ना जो कि ओ मगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये वो, तो आप करो ना फॉरफिट गेम, करो ना, फिर प्रॉपर वाला स्टैंड लो ना. अगर आईसीसी टूर्नामेंट में क्यों खेलने आ जाते हो? ये तो हम इस पोजीशन में क्यों है कि हम करें फॉरफिट गेम, जो कि मैं तो कह रहा हूं करो, फक इट. हिपोक्रेसी कि नहीं ये टेररिज्म करते हैं तो ये ना खेले हमारे साथ. टेररिज्म किस तरह पता नहीं, मैं टेररिज्म करते हैं तो, लेकिन हम यहां पे नहीं खेलेंगे इनके साथ, लेकिन उधर जाके खेलेंगे. और मैं तो कहता हूं कि फिर ये बाकी टीमें क्यों आती है पाकिस्तान में? वो डेविस कप की टीम आई थी ना, खेली थी टेनिस में, उन लोगों ने भी शोर डाला था. उन लोगों ने, टेनिस फेडरेशन ने कहा था कि नहीं नहीं भाई आप फिर कंसीड करो. हाँ, आगे थे और आके उनसे पूछ लो कैसा एक्सपीरियंस था. हाँ, जरा पूछो तो सही, बड़े इंटरव्यूज. किसी भी इंडियन से पूछो कि वो पाकिस्तान आया तो एक्सपीरियंस कैसा था. मेरा अपना दोस्त अरविंद आया था यार, लव्ड इट. ठीक है, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लगाई व्हेन ही सेड दैट पाकिस्तान डिजर्व्स अ बेटर नेम इन द वर्ल्ड आफ्टर व्हाट ही हैड एक्सपीरियंस्ड. मेरे पीछे पड़ गए थे एंड आई एम नॉट सेइंग कि मसले नहीं है, मसले हैं मगर स्पोर्ट को कम से कम एक यूनाइटिंग फैक्टर की तरह ही देख लो यार. और अगर नहीं देखना, अगर आपने यही कहना है कि आइसोलेट करना, तो फिर हर जगह से करो. आईसीसी टूर्नामेंट में आप कंसीड करो गेम, और ये जो बाकी टीमें आती है ना, रेसलर आते हैं, स्कॉश की टीमें, टेनिस की टीमें, इनको भी बंद करो ना. वो क्यों आ रही है? फिर सब बंद करो ना एक अपने फिर मौकफ पे. डैम ब्रो, आज तो हम कोई उर्दू दान बन गए. हाँ, पैशनेट हो गए अपने मौकफ पे, फिर खड़े रहो सही तरीके से. हाँ या लाइक सी इट थ्रू, पूरे उतरो उसके ऊपर. अच्छा, पाकिस्तान की जहां तक बात है, अब थोड़ा सा हम अपने बोर्ड और सबको भी रोल लें थोड़ा. रोलो, हम तो हमेशा रोलते हैं. हमेशा इनका काम जो आज तक हुआ है ना, घुटने टेकना आता है ना. एक चीज तुझे बताऊं मगर, सॉरी मैं तुझे काट रहा हूँ, एक चीज तुझे बताने दे. It's possibly the only situation in which having Mohsin Naqvi as the PCB chairman is a helpful situation. मैं exactly इसी चीज पे आ रहा था. हमें जो है ना घुटने टेक देते हैं हमेशा. You bend over backwards every single time. We've had enough. ऊंडे हो जाते हैं. Yeah. क्या कोडे हो जाते हैं? कोडे, कोडा छोटा होता है. ऊंडा is bending over. So लेकिन हाँ. तो रिक एंड मॉर्टी का वो गाना सुना मैं, from the Rick and Morty नहीं देखा मैंने. बड़ा फिट गाना है. अच्छा, मैं मोहसिन नकवी की बात कर रहा था. पहली दफा आप इस सिचुएशन में हो. इतनी चीनी मैंने पूरे महीने में नहीं पी. बहुत मीठी थी, बहुत ही मीठी थी. अच्छा, मोहसिन नकवी का सीन ये है कि इंटीरियर मिनिस्टर सेनेटर, probably the second most powerful man in the country after General Saab. Yes. Haan. He is the only one who can do this, and if he does that, toh respect jo hai wo thodi badh jayegi. He is a member of the Senate. He is the Interior Minister of Pakistan, and he is the Chairman of the PCB. We don't stand for any of that, but in this situation, he could potentially do something over it. थोड़ी सी hypocrisy यहाँ पे भी नहीं आ जाती? क्या? Keep sports and politics separate. हमारा तो डायरेक्ट है ना, हमारा तो पेटर्न इन चीफ पीसीबी का होता है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे तो डीपली इंट्रेंच्ड है पॉलिटिक्स के साथ आपकी क्रिकेट. इंडिया में तो वो सूडो तरीके से इंट्रेंच्ड है. अमित शाह होम मिनिस्टर है, उसका बेटा जय शाह इक्विवेलेंट ऑफ मोहसिन नकवी. हाँ, अमित शाह इज द मोहसिन नकवी ऑफ इंडिया बेसिकली, बट वहां पे इट्स लेयर्ड, ढकी चुपी सी चीज है. हाँ. और उस तरह डीपली इंट्रेंच नहीं जिसमें आप कह सकते हो. पाकिस्तान में तो डायरेक्ट है, ठीक है, तो वो थोड़ा फर्क है. मगर नैकर्स स्टैंड लो, फर्म स्टैंड लो. मगर सुनने को ये मिल रहा है सादी कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये कि वी विल रिजेक्ट द हाइब्रिड मॉडल, और अगर पाकिस्तान के अंदर पूरा टूर्नामेंट नहीं होता तो पाकिस्तान विथड्रॉ कर जाएगी. ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा यार अभी, लेकिन ये रिपोर्ट्स हैं. हाँ, फैजान भाई का आया था ट्वीट, एंड आई ट्रस्ट फैजान भाई एज ए सोर्स, ठीक है, वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु वी लुक अप टू विद इन द इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. सो फैजान भाई ने ये बताया है कि पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस आ रहा है, एंड दे विल प्रॉब्ली ट्राई टू अवॉइड प्लेइंग इंडिया इन ऑल मेजर टूर्नामेंट्स इन द आईसीसी. आई एम फाइन विद पाकिस्तान कंसीडिंग पॉइंट्स इन ऑल दोस टूर्नामेंट्स. उसके ऊपर भी क्योंकि पीसीबी हैज टेकन एडवाइस फ्रॉम द गवर्नमेंट, वहां तक बात चलेगी है. तो रिपोर्ट्स पीसीबी हैज टेकन एडवाइस फ्रॉम द पीसीबी. हां, मोहसिन नकवी ने मोहसिन नकवी से पूछा कि मोहसिन नकवी अब क्या करे. जितना जय शाह एक ही चीज है यार, एक कोई चीज है. तो बात क्या मैं कर, हां, तो इंडिया ने ओलंपिक्स 2036 के लिए बिड मारी है ना. सो पाकिस्तान कह रहा है कि फिर वी विल ट्राई एंड मतलब उसे सपोर्ट नहीं, उसके खिलाफ लॉबी करेंगे. या चलो करो फिर. मगर मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि ठीक है, अवॉइड प्लेइंग इंडिया, दैट्स फाइन बाय मी. डोंट विथड्रॉ पाकिस्तान फ्रॉम टूर्नामेंट्स. इसमें तो आप अपना नुकसान करें, और बीसीसीआई तो खुश हो जाएगा क्योंकि चलो ये आइसोलेशन पॉलिसी फाइनली चली पड़ी है. लेकिन आईसीसी खुश होगा या नहीं, क्योंकि पैसे नहीं आएंगे. पैसे तो नहीं आएंगे, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि पुल द प्लग, निकाल दो इंडिया पाकिस्तान गेम को इक्वेशन से, फिर देखो कि पूरी दुनिया क्रिकेट रोएगी फिर. They need that money. They need that money. Right? And I know Pakistan needs that money too, but यार honestly at this point, जहां इतना survive कर लिया, वहां थोड़ा और भी कर लेंगे, पता है? कर लेंगे. Yeah, कर लेंगे. Tricky situation. So my message to the PCB, if anyone's listening, is that rather than threatening to withdraw Pakistan from all tournaments, just concede the India games. पहले तो negotiate करो ना जरा ICC के साथ के India should be the one forfeiting this game. अगर वो नहीं मानते तो बोलो ले पॉइंट्स, वॉक ओवर दे दिया. यू नो व्हाट्स हिलेरियस इज दैट ट्वीट जो मेरा वायरल गया है, सो मेनी इंडियन सपोर्टेड इट एंड दे सेड कि हाँ यार ये है बुलिंग, ठीक है. और मैंने कई ट्वीट्स देखे हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लिश पीपल हु वर लाइक फक दिस मैन, पाकिस्तान नीड्स टू शो सम स्पाइन ओवर हियर. हां, और ये इतना बुली नहीं कर सकते. सिर्फ वो जो चंद कुछ प्रोपेगेंडा रिडन लोग हैं अनफॉर्चुनेटली, जो दुनिया में हर जगह होते हैं, मगर जो इस वक्त इंडिया में वो वाले रेडिकल टाइप थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ चढ़ गए आपके ऊपर. और ये पाकिस्तान वाले भी जो सेम है, हमारे पास भी वो टोला है. हाँ, पूरा टोला बैठा है हमारे पास भी. बात ये है कि यार स्पाइन आपको अब शो करनी पड़ेगी, अब नहीं तो कब. एग्जैक्टली, माय गॉड, या कोई बुरी चीज ही ना हो जाए. बट या मैन, समथिंग हैज गॉट टू गिव. आप इस तरह नहीं चलते रह सकते. और नहीं देना था फिर पाकिस्तान को टूर्नामेंट ही नहीं देना था. क्यों अवॉर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी? अच्छा, और जब की थी तभी बता देते यार हम तो नहीं खेलेंगे वहां पे. मैं तो इस बात में हूं ना, एक तो हिपोक्रेसी के लेवल देखो ना. पाकिस्तान ट्रेवल्स टू इंडिया इन गुड फेथ, देन एवरी स्पोर्ट आज आ गई है, और पूरी क्रिकेट की दुनिया भी पाकिस्तान आ चुकी है. पीएसएल भी होता रहा है यहाँ पे. मैं मानता हूं कि कुछ रूरल एरिया जो पाकिस्तान में है वहां पे कभी भी कुछ गड़बड़ होगी, मगर यार ट्रस्ट मी व्हेन आई से प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी के साथ जो ओवर सिक्योरिटी है, इफ एनीथिंग. अब ये कहेंगे अगर इतना सेफ है तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? Who gives a shit? आपको बताता हूं सिक्योरिटी क्या जरूरत है. When you've had an instance or you've experienced something like this Sri Lankan attacks in 2009, you don't want to take another chance. ठीक है? You cannot risk it. You cannot afford to. राइट? मैं तो कहता हूं बेशक पाकिस्तान दुनिया का सेफेस्ट कंट्री भी होता, फिर भी प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए. बट पता है और हर एथलीट को मिलनी चाहिए जो इधर आता है. Anyway, Saadi, forfeiting the game is probably the best route over here. Because you know, it's the final route. Haan, but you know why it makes the most sense? It does make the most sense. You don't want to disrupt the tournament. Haan. And you still want to send a strong statement. And ICC must be in a pickle right now. Look, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैं पहला स्टेप जो है ना, पाकिस्तान को ये उठाना चाहिए. ट्राई एंड नेगोशिएट एंड टेल देम कि यार मैच खेलने आओ, वापस चले जाओ. ठीक है, बाकी खेल लो. वो नहीं होगा, नहीं होगा. सुन लो, मैं पॉसिबिलिटीज दे रहा हूँ. वहां पे नहीं होगा. फिर उसके बाद यू से गिव अस द पॉइंट्स. Give us the points. वहाँ पे भी नहीं मानते. Then you say ये लो, ले लो points. A lot of people have also mentioned to me on Twitter कि यार ये हम क्यों करें forfeit? श्रीलंका को डालो, इंडिया को निकालो. देखो सीधी बात है, इंडिया नहीं निकल सकता. वो हो नहीं सकता. Don't like look. You have to be a bit realistic over here. I can understand where you're coming from. Haan. But you also have to see कि जिस तरह capitalism is running the world, it is also running the sport. And India का होना तो लाजिम है. इंडिया के बगैर आईसीसी टूर्नामेंट ही नहीं करेगा यार. और उनको फायदा कोई नहीं. चैंपियंस ट्रॉफी कैसे हो सकती है T20 चैंपियंस के बगैर? उस तरह भी देखो, वो लॉस में चले जाएंगे उल्टे टूर्नामेंट करवाने के. और कुछ लोग कह रहे थे कि ओ यू नो इंडिया डजंट रिलाई ऑन द इंडिया पाकिस्तान गेम. यस दे डोंट. दे हैव द आईपीएल. द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट डज रिलाई ऑन द इंडिया पाकिस्तान गेम. सो पाकिस्तान हैज ओनली वन चिप. लेवरेजिंग पावर तो अब है ही नहीं. जो एक आपके पास गोटी है, खेल दो बस. फिर बोलो नहीं खेलते इंडिया पाकिस्तान वाला मैच. एक पत्ता है लास्ट पे, मारो. फिर है तो इक्का. इक्का नहीं, यक्का. यक्का. हाँ, हम लोग तो यक्का कहते हैं. क्या हो गया मुझे? यक्कर्स. सुना होगा नहीं? चलो सुनाऊंगा तो मैं किसी दिन. अच्छा. या सो आई मीन इट्स हाई टाइम. एंड पाकिस्तान को थोड़ा अपनी भी इज्जत का सोचना है यहाँ पे. वी कैंट जस्ट गेट पुश्ड अराउंड एंड बेंड ओवर बैकवर्ड्स एवरी सिंगल टाइम. ऊंडे नहीं हो सकते ना. ऊंडे 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 मजे का लफ्ज है. जूल्स ऊंडे. Football fans will get that one right. But anyway, this is in my head the most optimal way to send a statement. And trust me, PCB, आपको plaudits ही मिलेंगे if you forfeit that game. किसी ने ये नहीं कहना कि ओ आपने अपनी सेमीफाइनल चांसेस को मुश्किल कर दी. खैर यार चलो और टूर्नामेंट्स आ जाएंगे, कोई मसला नहीं. बल्कि एक तरह से देखो तो चैंपियंस ट्रॉफी इज द बेस्ट टाइम टू पुल दिस मूव. क्योंकि वर्ल्ड कप में बंदा थोड़ा कहता है यार वर्ल्ड कप है यार. सही बात है सादी. और वर्ल्ड कप इधर होस्ट भी नहीं हो रहा तो कोई T20 वर्ल्ड कप ऑल इंडिया में होस्ट हो रहा है. और लड़कियों वाला भी हो रहा है ओडीआई वर्ल्ड कप. सो प्रॉब्ली ना. चलो उसके अंदर फिर ना भेजना, मगर अभी तो आपका टूर्नामेंट है ना. फिर गारंटी अभी से आईसीसी को दे दो. अगर इन्होंने ये शिट पुल ऑफ करती है तो हमारे न्यूट्रल वेन्यू में रखवा दो अभी से मैच. अभी से रखवा दो. हमें हाइब्रिड सोल्यूशन दो. फिर वहां पे हम देते. मैं तो कह रहा हूं करा दो हाइब्रिड सोल्यूशन. बस पाकिस्तान नहीं जाएगा यूए. और पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंच गया और इंडिया सामने हुई तो पाकिस्तान तब भी नहीं जाएगा. दे दो ट्रॉफी. होना ये चाहिए असूली तौर पर. लेकिन पता है बहराम, आई एम स्केप्टिकल. देखो हम दोनों ने यहाँ पे बातें तो बड़ी कर दी है, लेकिन क्या पीसीबी ये करेगा? तुम्हें क्या लगता है? पीसीबी कुछ तो करेगा, क्योंकि कहते रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्टांस आ रहा है. अब ये नहीं पता कि वो स्टांस कितना स्ट्रॉन्ग. आई जस्ट होप दैट इट्स नॉट ओवर स्ट्रॉन्ग. बहुत कोई रैश डिसीजन लेने की जरूरत नहीं. ये ना कहे कि अच्छा अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती तो हम खेलेंगे नहीं चैंपियंस ट्रॉफी. ये मत करना. देखो ठीक है. अच्छा दैट वुड बी लूनेसी. एक और फैक्टर ये आ जाता है कि बाकी जो क्रिकेटिंग नेशंस है जो इस ट्रॉफी का पार्ट है, will they support Pakistan or will they support India? Yeah, Jay Shah will come into power in the ICC very soon. He will fix that broadcasting issue. वो जो Z और Sony वाला हुआ है. He'll come out as the savior. No one can openly support Pakistan in this. मगर जो लोग हैं, cricket watchers हैं दुनिया में, enthusiasts हैं, वो सारे एक ही तरफ हैं. वो तो ठीक है. I know the Caribbean cricket podcast guys are very vocal. Everyone I know on Twitter who isn't Pakistani, and a lot of Indians as well agree with this sentiment यार. अब देखो ECB, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कह देता है कि वी आर नॉट गोइंग टू पाकिस्तान एज वेल. फिर क्या करोगे? या फिर मसले हो जाएंगे, मसलूसियां हो जाएंगी. ओके नहीं, और ये हो भी सकता है. हम इंडिया के साथ हैं, हम पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट करो बस. तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी. फिर विड्रॉ करना बनता है या नहीं? फिर विड्रॉ करना बनता है. अगर पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं होता तो फिर कर दो विड्रॉ और करा लो पाकिस्तान के बगैर. तो सही है. और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया अगेन, लोग यही कह रहे थे ना कि वो इंडिया हैज इनफ मनी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा शायद. इंडिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. दुनियाई क्रिकेट को फर्क पड़ेगा. आईसीसी के हाथ में आ जाएगी. आईसीसी वो जय शाह, आई डोंट थिंक ही विल केयर. बट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, ECB, CCB, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, इनको थोड़ा सा फर्क. अभी तो मुझे PCB का भी नहीं पता क्या होना है, क्योंकि सलमान नसीर has lost his job. Right, he was the CEO of Pakistan cricket. And now he's the CEO of the PSL, is it? MD I think CEO he of the PSL. And he's also gotten a job in the ICC. But the guy who has replaced him as the PCB COO is, his name is Sumair Ahmed Syed. 19th grade officer. Yeah. Someone who has no cricket experience. Replacing a guy who has 10 years worth of cricket experience. अच्छा, अब थोड़ा सा मैं PCB की मार लूँ. मारो भाई, खुल के मारो. Media guy. Naqvi boy. Naqvi boy. CEO Naqvi boy. COO. COO ही बोला. CEO बोल दिया अब तो तुमने. COO. हाँ. Probably the new women head of women's cricket. Is that police officer? अभी confirm नहीं हुई. But if it is that police officer, what the fuck is happening in this country? She was a hero not too long ago in that blasphemy situation. Kind of became a villain. हाँ, when the protest thing happened for the students. So I mean. What are we supposed to think then? So ये क्रोनिज्म कब तक चलेगा? हम BCCI को बुरा भला कह लें जितना भी, लेकिन हम we have establishment touts left, right, and center over here running the show. Fascist government के touts. अगर हमें चुक लिया किसी ने ना, वीगो शीगो आ गई तो भाई निकलवा लेना, कोई प्रोटेस्ट हमारे लिए भी कर लेना. अब हम बोल रहे हैं और बोलना नहीं चाहिए, कोई पता नहीं एक्रेडिटेशन भी कैंसिल हो जाए. ज्यादा बोल दिया लेकिन बोल दिया यार, नहीं पता है, किसी ना किसी को तो बोलनी है ये बातें सादी. एंड वी हैव ऑलवेज एटलीस्ट ट्राई टू रिमेन फुली ऑथेंटिक ऑन दिस शो एंड दिस इज हाउ वी फील. सो और यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती गाइज. कोई भी होता, किसी भी पार्टी का होता, हम बैठ के ये बोल रहे होते हैं. हम काफी एपॉलिटिकल हैं मेरे लिहाज से. वेरी एपॉलिटिकल. आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी पर से, बट आई डू स्टैंड अप अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म. जहां भी हो, जिसके खिलाफ हो, जो कर रहा हो उसके खिलाफ खड़े होंगे बस भाई. मैंने तो जो वोट भी दिया था तो इट वाज एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट बिफोर एनीथिंग एल्स. सेम सो या इस दफा तो दिया ही दिया था एंटी एस्टैब्लिशमेंट, पिछली दफा भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट दिया था. अब वो डिफरेंट साइड थी. देख लो बस फिर शादी, मतलब कोई भी वो इन बड़ी बिग पार्टीज में नहीं थी. और दूसरी चीज ये यार कि जितना पार्टीजन हो चुके ना पाकिस्तान, इट्स एग्जॉस्टिंग टू इवन हैव दीस कन्वर्सेशंस यार. ऑनेस्टली इट्स बीन a hot minute since I've watched politics. I don't even care about it anymore. Do not give a shit. And I know I'm in a position of privilege because I'm not just Pakistani. तो हाँ, मेरे पास एक बैक डोर है. बट देन अगेन यार, दुनिया में 100 और मसले हैं आपस की लड़ाइयों से. दुनिया तो पूरी पोलराइज्ड है भाई. अपने पाकिस्तान के ये पॉलिटिक्स से निकल जाओ, 100 और मसले हैं. सबसे पहला तो ये स्मॉग, क्लाइमेट चेंज नहीं मार देना हमें. हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह जिएंगे यार? इनाया ने बड़ी लंबी जिंदगी जीनी है यार, इंशाल्लाह. वो कैसे जिएगी? खांसी रहेगी पूरा दिन, खांस के क्या करे? फिर बंदा यही सोचता है ना, अच्छा चलो इकोनॉमी शिट है, पॉलिटिकल सिचुएशन शिट है, सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जब आपकी हेल्थ ही नहीं, आप जी नहीं सकोगे तो फिर क्या करेंगे? बाहर निकलो यार इस मुल्क से. क्या ही प्रोवाइड कर रहे हो फिर आप? बहुत ही वियर्ड आर्क ले लिया. या आई मीन यू नो इट काइंड ऑफ ऑल टाइज इनटू ईच अदर बिकॉज़ दिस इज अनफॉर्चुनेटली दिस इज नाउ अ पॉलिटिकल पॉडकास्ट, दिस पर्टिकुलर एडिशन ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट, बिकॉज़ cricket has been heavily politicized and sport generally is politicized, but पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है इस डिग्री तक, राइट? Like what the hell is happening over here? अभी उस दिन मैं गया हुआ था, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक डायलॉग इन्होंने होल्ड किया हुआ था. सो बड़ी डिफरेंट लोग आए हुए थे फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री से, तो सिर्फ हम लोग ही थे. बाकी बैंकिंग सेक्टर मुझे लेकर ही नहीं गए. तुम इधर थे नहीं? ओह अच्छा, हाँ मैं लोअर था. तो और वो रातों रात इन्विटेशन आया तो मैंने कहा चलो. मैं उधर भी खांस ही रहा था वैसे. तो उस पर डायलॉग हो रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या करना है यार. मैंने जब उनकी ग्रीवेंसेस सुनी ना हर एक की, फ्रॉम द जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं टू द जो मार्केटिंग वाले हैं, जो सेल्स वाले, सारे मतलब पूरी कम्युनिटी थी. तो मुझे पता चला यार हम तो चीज़ें ही गलत कर रहे हैं. हम उस लेवल पे सोच ही नहीं रहे जहाँ सोचना चाहिए. हमारे क्या मसले हैं कि इसने वो कर दिया, मैं एनओसी मांग रहा था तो एनओसी नहीं मिला. यहाँ पे तो फंसे हुए हो यार. हम तो इतनी अपने लिए खुद ही रोड ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं. इतनी पॉलिटिसाइज्ड है कि आपको, अगर फॉर एग्जांपल फुटबॉल टीम की बात ले लेते हैं, फुटबॉल टीम को अगर 2 महीने पहले सेम सेट ऑफ प्लेयर्स को एनओसी मिला है एक जगह जाने का, तो उन्हें फिर से एनओसी अप्लाई करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों जमा करवाने उसी स्क्वाड को कहीं और जाने के लिए? दैट्स स्टूपिडिटी, दैट्स अ रोड ब्लॉक, दैट्स अ बॉटल नेक जो निकालना होगा ताकि आपके प्रोसेस स्मूथ. बॉटल नेक नहीं है, बॉटल नेक में तो आहिस्ता करके आप दूसरी साइड में विच हो ही जाते हो. बॉटल नेक के ऊपर ढक्कन लगा, ये तो ढक्कन लगा दिया ना यार आपने. रोड ब्लॉक है, स्टूपिड, दिस इज अ बैरियर, स्टूपिड. एंड पाकिस्तान डज दिस टू इटसेल्फ, अ लॉट ऑफ दिस शिट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड. सो ये भी बड़े बड़े मुझे बड़े लोग कहते हैं कि ओ यू जस्ट वांट टू ब्लेम जय शाह इन इंडिया फॉर एवरीथिंग. नो पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है वो पाकिस्तान की वजह से ही है, ऐसी बात नहीं है, मगर इंडिया डजंट पर्टिकुलरली मेक इट इजी फॉर पाकिस्तान एंड यू नो यू कैन गो बैक इन टाइम एंड लिसन टू द वो बॉटलनेक ही क्रिएट करते हैं, वो यू कैन गो बैक इन टाइम राइट। अनुराग ठाकुर की बातें सुनो एंड व्हिच इज वेरी ओपन अबाउट इंडियाज आइसोलेशन पॉलिसी। अब तो जरा आप उस तरह की बातें खुल खुल कर नहीं बोल रहे एटलीस्ट बीसीसीआई में, मगर स्टिल वी नो हाउ इट इज एंड यू नो विल कंटिन्यू टू कॉल इट द बीजेपीसीसीआई बिकॉज़ दैट्स व्हाट वी सी इट एज वी सी इट। हम पीकेबी भी बोलेंगे, बीजेपीसीसीआई भी बोलेंगे, तो बोलेंगे भाई उखाड़ लो जो उखाड़ना। कुछ लोग कहते हैं आपको किसने राइट दी इंडिया के बारे में बोलेगा, क्यों भाई हम क्रिकेट नहीं हम नहीं कवर कर सकते, पठ लो जो पठना है। या, या, या। दो गालियां आज तो और ज्यादा गालियां, मैं तो चाहता हूं कि आप आओ और आज गालियां मैं भी गाली दे दूं आज, नहीं बात कर रहा हूं ऐसे मैं नहीं कर सकता, वी आर नॉट गोना स्टूप टू दैट लेवल नाइदर विल आवर जानीज राइट। हां जानीज चलो इज दैट द एंड ऑफ द शो? नो अच्छा सेगमेंट कर लो फिर वापस आते हैं। यानियों अगर आप लोगों ने जानी बनना है तो 2-3-4 तरीके हैं। सबसे पहला है पेट्रियन, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे सब्सक्राइब करो। तो डिस्क्रिप्शन मेरा सही नहीं निकला था लेकिन साइन अप करो तो जानी ऑफ द पॉडकास्ट डिस्कॉर्ड चैट में डाल देंगे। उसके अलावा ईजी पैसा है 0319360255 इज द नंबर। उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स भी मिल सकती हैं, आप मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे। इसको ना करना, मुझे ना करना यार, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। अगर इनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है बेहराम तो फिर सो इफ यू लिव अंडर अ रॉक एंड डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग तो यार मैं और साथ इस्लामाबाद में रहते हैं, E113 मरकज में, इधर हमारा स्टूडियो भी है, दफ्तर भी है, आके मुंह पे मारो 1500 रुपए मारो, ठीक है। या तो फिर और भी तरीके हैं जानी बनने के लिए, 1500 रुपए तो आप महीने के लिए जानी बन जाओगे, बट इफ यू गिव अस और गिफ्ट अस ए ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी, नॉक ऑफ नहीं ऑथेंटिक, और पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो, बाकी कोई भी स्पोर्ट हो कोई भी टीम हो चलता है, इवन इंडिया ब्रो वी लव इट। आई हैव वन कमिंग मैन, गौरव नंदन त्रिपाठी अपना बॉय GNT इट्स डायनामाइट उसने बनाकर भेजी हो, वरुण एल्वाकोंडा के पास है इंग्लैंड में, तो आई एम गोना टेल हिम टू गिव इट टू माय कजन ताकि मेरी इंडिया जर्सी वापस आए। या गौरव नंदन त्रिपाठी से पहिया हल्का भारी हर एक तुल जाए एंड वी लव आवर इंडियन फ्रेंड्स एज वेल। हम तो कहते हैं सारी दुनिया के लोग आए जानी ऑफ द पॉडकास्ट बने यार। वी आर हियर ऑन अ मिशन trying to change the landscape of sports coverage in Pakistan. We are moving away from sensationalism और ये मसालेदार खबरें and we want to promote intelligent cricket discourse. We want to enrich your sports watching experience through the chat and this podcast. आप भी आकर हमारा enrich करो यार, challenge us, talk with us, you know, debate करो तमीज़ के दायरे में हमारे साथ, right? And we're not know-it-alls. We're constantly learning. Come help us evolve as well. और यार कोई भी tolerance नहीं है, zero tolerance for racism, abuse, misogyny, discrimination. We won't stand for that. आप सीधा कटे जाओगे बार, दस्ती बार कट देंगे, कड्डू जी कड्डू। एंड या आई मीन यू नो दिस मनी डजंट गो इन आवर पॉकेट, साद और मैं पॉकेट नहीं करते पैसे, दीज फंड्स गो टुवर्ड्स मेकिंग दिस पॉडकास्ट फाइनेंशियली फीजिबल एंड इफ दिस पॉडकास्ट इज अ फाइनेंशियल सक्सेस वी कैन ब्रिंग यू इवन मोर ग्रेड ए कॉन्टेंट टू योर स्क्रीन्स। और गलतियां हमसे होंगी, हुई भी हैं, होती भी हैं या और होती रहेंगी, इधर ही आकर उनको एक्नॉलेज करेंगे, ओनरशिप लेंगे उनकी, आप भी हमें अकाउंटेबल होल्ड करो। एक प्रॉमिस मगर ये कि यार वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन, तैयारी, होमवर्क, वहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी हमने, फुल तैयारी। या सब पे भारी मुझे एक दफा बस देखने दो कि कोई अपडेट ना आ गई हो, कोई अपडेट ना आ गई हो यार, आए दिन कोई ना कोई अपडेट आई जाती है। बल्कि यू गाइस विल गेट दिस पॉडकास्ट टुमारो व्हिच विल बी अ ट्यूसडे एंड मे बी सम ऑफ दिस स्टफ इजंट इवन रेलेवेंट बाय देन, यू नेवर नो विद द पीसीबी। बट अगर संडे नहीं है ना, संडे होता तो फिर गए थे हम लोग, संडे को आती हैं सारी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट रिलेटेड, इवन गॉड रेस्ट्स ऑन द 7th डे बट द पीसीबी डज नॉट, राइट? द पीसीबी वुड लाइक नोप, यू कांट हैव योर संडे। आगे कुछ नहीं आ रहा है, पाकिस्तान आने दो, ठीक है? तो यार पाकिस्तान तो आया भी है, सही है, पाकिस्तान तो इंडिया गया और लास्ट बायलैटरल भी पाकिस्तान ही गया था तब भी, वो आने दो वाली सीरीज ही थी। सो या आई मीन लुक I say this so frequently, but I'll repeat it. Pakistan ke yaar cricketers, they deserve to play in front of a home crowd in an ICC tournament. Fans deserve it. Supporters deserve to watch their team in an ICC tournament at their home grounds, ठीक है? और यार हम मीडिया प्रोफेशनल्स, हमारा क्या कसूर है इसमें? हम नहीं डिजर्व करते कि हम आईसीसी टूर्नामेंट घर पे कवर कर लें? एक तीली लगाने का दिल का है ना, लगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन लाहौर अगर होता ना तो आपको सपोर्ट मिलती बहुत ज्यादा, कोहली के नारे लगते, अहमदाबाद वाला सीन। मैं GNT ने जो जर्सी भेजी हुई है, बल्कि मैं तो इस पॉडकास्ट में भी पहन कराऊंगा क्योंकि आई डोंट लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम फिल्टर्स ऑफ नेशनैलिटी, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर ऑफ स्किन। मैं नहीं देखता ये चीजें, मेरे लिए इंसान में सिर्फ दो चीजें हैं जिनके हिसाब पे मैं जज करता हूँ इंसान को, या यू नो जज भी नहीं कहना सही वर्ड, देयर इज ओनली लाइक रेट करता हूँ, रेट भी नहीं बट यू गेट व्हाट आई काइंड ऑफ आई एम सेइंग। या तो एक इंसान अनपढ़ होता है या पढ़ा लिखा होता है, या तो एक इंसान अच्छा होता है और बुरा होता है। अनपढ़ इंसान अच्छा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा इंसान बुरा भी हो सकता है, देयर इज नो कोरिलेशन, बट दैट्स द ओनली वे आई लुक एट ह्यूमन काइंड, वी आर ऑल द सेम मैन। अच्छा अहमदाबाद वाला सीन ना होता, लाहौर में अहमदाबाद वो वाला सीन ना होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ कि कोहली कोहली और रोहित रोहित के नारे लगते हैं। योर टीम विल बी लुक्ड आफ्टर बेटर देन एनी अदर टीम, यू वुड गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, पीपल लव योर क्रिकेटर्स ओवर हियर। मैं मजाक भी नहीं, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। इंडिया में इतनी इंपॉर्टेंस ना मिलती जहाँ पे जितनी उन्हें दिन मिलती। बहुत आपको सर आंखों पर रखते, मेहमान नवाजी जितना ज्यादा आपका ट्रेट है उतना ही पाकिस्तान का भी है यार। और मैंने कभी किसी पाकिस्तानी से ये नहीं सुना कि मैं इंडिया गया और मेहमान नवाजी नहीं हुई, हमेशा होती है यार। आप किसी इंडियन को पकड़ लो, पूछ लो उनसे, उनका भी यही एक्सपीरियंस होगा। Why would you want to drown out a cricket nation? और फिर वही वाली बात है ना, फिर नहीं देनी थी चैंपियंस ट्रॉफी, तब ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं। आपको क्या लगता था कि 4 साल में हालात बदल जाएंगे? मैं आपको आज कह सकता हूं कि अगले 10 साल में भी शायद हालात ना बने। ना मैन, आई डोंट सी इट। विल देयर एवर बी पीस? नहीं ना मैन, आई डोंट सी इट ही कर देता। फारिस के डायलॉग जारी रखते हैं हम लोग। मैंने नहीं सुना ये। ओ ये वो है कोई तो जवाब दे, आई थिंक। ये कब आता है? नहीं ये वो है, ये वो है पहला वाला इनका गाना, इसने मोरू के साथ जो निकाला था, अवाम कूले get what you want from me, कूले get what you need from me, अवाम के लिए पैगाम, अवाम के लिए पैगाम। शायद वो भी नहीं है इसका। will there ever be peace वाला कौन सा गाना? मैंने नहीं सुना ब्रो, ये अवाम में नहीं। I don't see it, ये कहता है वो। Okay. I can't remember। आप लोग मुस्करा तो नहीं है? मुस्करा के मिस्करा दे, मिस्करा हर जगह मैं हूँ तेरा मुस्करा, आगे नहीं बोल सकते। फारिस के गाने बीच में रोकने पड़ जाते हैं हमें। फारिस को आना चाहिए, फारिस को ले आऊंगा मैं किसी दिन। लीजा जस्ट शॉट अ वीडियो विद हिम, बल्कि वो भी इसी महीने आनी थी, माय फियांसे इज इन अ फारिस शफी वीडियो। और अभी तो आप वेट करो, व्लॉग श्लॉग भी बनाएंगे, एक दफा शादी होने दो, पावर कपल लोडिंग वाला सीन है इधर, यू नो। बट या आई मीन चलो, पॉजिटिव्स में ये है कि नवंबर में हो गया है, और आई मीन वी सॉ इट कमिंग फ्रॉम अ कंट्री माइल अवे। और अच्छा एक और बड़ी जबरदस्त चीज है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड सार्केज्म ऑन द इंटरनेट। ठीक है, मैंने लिखा हुआ था ओ व्हाट एन एब्सोल्यूट शॉकर, आई बेट नो वन सॉ दिस कमिंग। और मुझे आए हुए थे कि ओ वी ऑल सॉ दिस कमिंग, तुम तो जाहिल हो। एंड आई वाज लाइक मैन, वेक अप एंड स्मेल द सार्केज्म। द अमाउंट ऑफ पीपल आई हैव रिप्लाइड दिस एग्जैक्ट मैसेज टू ऑन ट्विटर, इट्स बैफलिंग राइट, लाइक सीरियसली गाइस। आगे जरा इमोजी डाल दिया, इमोजी नहीं डालता मैं भाई, कोलन एंड पी डाल दिया गया। वो वाले बॉयज भी आए थे कि तुम्हारा इंडियन क्रिकेट से क्या लेना देना है, तुम कवर क्यों करते हो? हमारा तो नहीं है क्रिकेट से लेना देना, हम तो एम ही बस, क्रिकेट तो सिर्फ इंडिया के लिए बनी थी, हम किधर आ गए हैं? यू पाकिस्तानीज भिकारिस्तानीज, बाप बाप होता है, टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट। सुन के थक गया हूँ यार, मतलब क्या बकवास है। आप लोग भी थक तो नहीं गए? गो टू द पीसीसीआई पॉडकास्ट एंड लिसन टू द लास्ट वन आई रिकॉर्डेड विद देम। वो इंडियन बॉयज ही हैं, खुले दिमाग के, मेरे टाइप के लोग हैं। बाय द वे एनी पीपल, कोई भी दुनिया में कहीं से भी हो ना, एज लॉन्ग एज वी वाइब, दोज आर माई पीपल, that's how I do, right? चलती ही वाइबों में है। वेबा वेबा लावो, वेबा लावो, चैंपियंस चैंपियंस चैंपियंस। या सो आई मीन आई डोंट नो हाउ दिस, सब नु पता जय शाह है का चैंपियन। अगर मैं तुझे बोलूं कि कितने ऑड्स दोगे तुम कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान से चली जाए, हाउ मच ऑड्स वुड यू गिव दैट? परसेंटेज में बता दो मुझे, क्योंकि इट इज वन ऑफ दी पॉसिबिलिटीज, इजंट इट? 70%। रियली यू थिंक इट्स दैट हाई? यू रियली थिंक इट्स दैट हाई? मुझे डर है बाकी बोर्ड्स बैक आउट। द स्मार्ट थिंग टू डू ओवर हियर वुड बी के चलो यार जाओ आप खेलो यूएई में, कर लो हाइब्रिड, दैट इज द आइडियल सिचुएशन। पाकिस्तान नहीं आएगा यूएई, कंसीड दोस पॉइंट्स। बाकी टीमें भी ख्वार होंगी यार, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश भी तो ख्वार होंगी, सेमीफाइनलिस्ट ख्वार होंगे। मुझे शक है इसी वजह से बाकी बोर्ड्स बैक आउट कर देंगे यार। अगर तो ऐसी सिचुएशन आई कि बोर्ड्स को या तो पाकिस्तान से खड़ा होना है इंडिया के साथ, तो अनडाउटेडली दे विल, यू नो। इसलिए मैंने 70% बोला, 70% ज्यादा बोल गया, 70% या। बट खैर आप लोगों की भी बड़ी यार थॉट्स होंगी, राय होगी आपकी, कोई ना कोई आप हमें बताएं कमेंट्स में आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है। मैं लाइक अ लॉट ऑफ यू विल से कि इंडिया को निकाल दो, श्रीलंका को डाल दो। I've spoken to enough important people in cricket, वो हो ही नहीं। I can tell you with confirmation कि वो हो ही नहीं सकता। अच्छा असूली तौर पे तो हाँ बड़ी चीजें हो सकती हैं। उसमें आईसीसी के रूल्स ही बताए आपको सादी ने। हाँ, तीन पॉसिबिलिटी जो रियलिस्टिकली है, एक नहीं एक्चुअली दो पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी है हाइब्रिड सॉल्यूशन, एक पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान से पूरा टूर्नामेंट चला जाता है, तीसरी क्या है? 3 पॉसिबिलिटीज है। इंडिया के मैचेस हाइब्रिड सॉल्यूशन, पाकिस्तान forfeits that game, that's one. Second is Pakistan goes and plays against India. That's another one. Which will be bending over backwards yet again, which I don't think anyone is for at the moment. And the third one is पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो जाए और Pakistan khele, and the fourth one is Pakistan withdraw karte. Yeah, so I am not in favor of, well, अगर तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से जाती है तो शायद विड्रॉल पे मैं इतना वो ना हूँ, मगर यार आई वांट पाकिस्तान टू प्ले दीज थिंग्स, राइट? लाइक दे अर्न्ड देयर क्वालिफिकेशन, दे शुड बी देयर। डिफेंडिंग चैंपियन से जीत जो। हाँ, देखो यार, एक ही चीज आप कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कैपिटलिज्म रन्स द स्पोर्ट और इसके फवायद भी हैं, इसके नुकसान भी। बेसिकली हर्ट देम, हर्ट आईसीसी, हिट देम वेयर इट हर्ट्स, राइट? आईसीसी की तो फाड़ो ना, इंडिया की नहीं भी फटती। And by forfeiting the India-Pakistan game, they're going to miss out on hundreds and millions of dollars worth of revenue. No. And that will then impact, unfortunately, the Afghanistans and the Irelands and the West Indies of the world. हम भी, पाकिस्तान भी, Pakistan will take a massive. Basically, हम डूबेंगे तो तुम्हें भी डूबे। ओ यार डूबे कहाँ है यार? डूबे डूबे इस इंजर्ड तो नहीं है? पता नहीं, डूबे नजर नहीं आया। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी नहीं। तरस किया हूँ मैं गाना गाने के लिए, तुमने जैसे ही तुमने डूबे बोला मैंने कहा चिपका दो, यही चेप दो साथ। डूबे बैक इन द टीम। खैर, ऑल थिंग्स सेड एंड डन, इट इज एन एब्सोल्यूट ट्रेवेस्टी दैट वी लिव इन दिस वर्ल्ड वेयर दिस इज आवर रियलिटी, एंड अगेन इफ यू वांट टू हैव आइसोलेशन पॉलिसीज देन सी देम आउट एंटायरली। कोई भी स्पोर्ट्स से मत खेलो, आप कंसीड करो ना गेम। आप कह रहे हो टेररिस्ट नेशन याडा याडा याडा, यू कंसीड दोस गेम्स, व्हाई शुड पाकिस्तान बी कंसीडिंग दोस गेम्स? बट ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट द वे इवन इफ पाकिस्तान कंसीड्स दैट गेम we're completely fine with it. Look, the way the sport is run, we know that India के बगैर ये Champions Trophy हो नहीं सकती, और अगर तो हाइब्रिड मॉडल है तो बस पाकिस्तान ना जाए, और कोई तरीका नहीं है. That is quite a strong statement in my opinion, and that is the first thing I saw. Even though I expected this, I expected this later. ये जरा जल्दी हो गया है. हम दिसंबर का वेट कर रहे हैं. हाँ, मैं तो कहता भी जय शाह आएगा, जनवरी चढ़ेगा, तैयारियां पूरी होंगी, फिर जाकर बोलेंगे नहीं, ओ नहीं हो आ जाएगा, ओ नहीं हो नहीं हो, ओ नहीं ओ नहीं ओ, ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ, अस्सी चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी नहीं। I think that's about it. मतलब कोई है और तुम्हारे दिमाग में चीज बस यार सारी पॉसिबिलिटीज। अ मैसेज टू माय इंडियन और आवर इंडियन फॉलोअर्स एंड लिसनर्स एंड सब्सक्राइबर्स, यार दिस इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू पर से, वी हैव कोई मसला नहीं है, हमें तो इंडियन क्रिकेट बड़ी पसंद है यार, जाकर मेरे और साथ के देख लो पॉडकास्ट जिसमें हम इंडियन क्रिकेट कवर करते हैं, T20 वर्ल्ड कप वाले देखो। मसला ये है कि किसी को भी लाइक अंधे को भी नजर आ रहा है इस वक्त कि हो क्या रहा है क्रिकेट के अंदर। बात ये है कि हमें क्रिकेट से प्यार है। एग्जैक्टली, और यहाँ पे क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। खुशी होती है जब पाकिस्तान जीतता है, लेकिन उतनी खुशी होती है जब कोई और भी जीतता है। अगर क्रिकेट अच्छी होगी तो हम खुश होंगे, क्रिकेट अच्छी नहीं होगी तो हम तपेंगे भाई। यू जस्ट नीड टू गो आउट एंड चेक दैट एपिसोड मैन, हाउ यू नो ferociously इज द रॉन्ग वर्ड, कितने enthusiasm के साथ we covered India's win in the T20 World Cup. Go watch that podcast, man. So this is not directed towards you. हमारी लड़ाई है BJP, PCCI के साथ, और PJB के साथ, और PJB के साथ, ICC के साथ, और हमारी अपनी गवर्नमेंट के साथ. I mean the ICC is reduced to an event management company at this point. They have no stake when it comes to decision making. Bilaterally सब चीजें decide होती हैं. तो ICC सबसे ज्यादा मसले में वो है इस वक्त. अब हम क्या करेंगे? पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कह रही है strong stance, सारे इंडिया ने बोल दिया हम नहीं जा रहे. How do they maneuver around this situation? आईसीसी टूर्नामेंट में पहले तो कभी हाइब्रिड सॉल्यूशन हुआ नहीं, 96 में तो आपने देख लिया था वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को कंसीड करने पड़ते पॉइंट्स, न्यूजीलैंड भी केन्या नहीं गई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2003 में भी हुआ है, केन्या नहीं गई थी, दैट्स हाउ केन्या मेड इट टू द सेमीज एक्चुअली, नॉट सेइंग दैट दे डिडंट परफॉर्म वेल बट दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस एज वेल. सो आई मीन ये तो चलो पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान में इट्स अ बिट डिफरेंट, सो आप ये तो नहीं कर सकते, बट या देखो लेट्स नॉट, आई मीन आई अंडरस्टैंड कि सब तपे में है, ठीक है, मगर ऐसी सजेशंस देना जो मुमकिन ही नहीं है उन पे अपना वक्त मत जाया करें. असूली तौर पे बहुत चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं होंगी. लर्न और एजुकेट योरसेल्फ ऑन द रियलिटी दैट यू लिव इन, एंड जस्ट नो दैट पाकिस्तान डू हैव दैट वन वेरी बिग बार्गेनिंग चिप ऑन द टेबल. वो लेवरेज है आपकी, वो इंडिया पाकिस्तान गेम, एंड दैट अफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स ऑल ऑफ क्रिकेट. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दे यूज दैट नाउ. फेंक दो पत्ता, मार दो यक्का, मार दो. और पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं उनके लिए भी एक पैगाम है कि सपोर्ट द पीसीबी और द गवर्नमेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर वो ये करते आई नो दैट्स आल्सो काइंड ऑफ हिपोक्रिटिकल, बट इन अ वियर्ड वे मोहसिन नकवी इज द परफेक्ट पर्सन टू स्टीयर दिस पर्टिकुलर शिप. अभी ये मैं कह रहा हूँ, कोई पता नहीं जब तक ये पॉडकास्ट है कोई अजीब ही हरकत कर दी हो हैकर्स ने. देखो क्रिटिसाइज करो, बाकी चीजों पे तो बहुत ज्यादा करो क्रिटिसाइज, लेकिन अगर इस चीज पे वो स्टैंड ले लेते हैं ना तो सपोर्ट करो. और यार स्पोर्ट शुड ऑलवेज हेल्प बिल्ड ब्रिजेस, ठीक है, इट यहाँ पे बर्न कर देते हो, इट शुड बी अ यूनाइटिंग फैक्टर. इट इज एन एब्सोल्यूट शेम दैट दैट इज नॉट द केस इन क्रिकेट. क्रिकेट डिप्लोमेसी कुड हेल्प इंडिया एंड पाकिस्तान. और यार चलो बथेरी आपकी लड़ाई होगी, पीपल लव टू सी दिस फिक्चर, Why are you depriving them of this fixture? ठीक है, हम तो सीरीज पे तो पहुंचे ही नहीं, मगर पता है एक और भी इसमें एंगल है सादी कि सीरीज के ना होने की वजह से these one-offs in tournaments इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा, और इसीलिए तो तुम देखते हो कि आईसीसी हमेशा इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखती है। ये भी तो गलत है, हर स्पोर्ट में होती है, ये भी सरासर ज्यादती है बाकी दुनिया के साथ। और यू नो ये क्या है, मतलब यू आर बेसिकली फिक्सिंग अप द टूर्नामेंट, यू आर फिक्सिंग द टूर्नामेंट, एंड दैट्स अ मेजर फ्लॉ इन क्रिकेट, राइट? And they will tell you, you talk to people within the ICC or other cricket boards, and they will tell you that this is the reason. It is the funds that game generates. Right? Obviously, आप चांस पे क्यों छोड़ोगे कि सेमीफाइनल या फाइनल में मिले? जब एक मैच तो आप करवा सकते हो, पर दूसरा भी हो सकता है। बिल्कुल, वो तो यही चाहेंगे। एशिया कप में हमने देखा कई जगह इस तरह की सिचुएशन बनाई हुई कि तीन भी हो सकते हैं, वो होते नहीं है कभी। वो अलग बात है, श्रीलंका ऑलवेज यू नो स्पॉइल्स दैट पार्टी। मतलब ग्रुप स्टेज में खेलो, फिर सुपर फोर्स में खेलो, फिर फाइनल में खेलो। एग्जैक्टली, वी हैव सीन अ फ्यू एशिया कप टूर्नामेंट्स यू नो स्ट्रक्चर्ड दैट वे, जस्ट नेवर वर्कड आउट फॉर द ब्रॉडकास्टर्स। एंड लुक, आई मीन आपने यू नो स्टेटमेंट देनी है तो सोच समझ कर देना, इतने रैश में मत हो जाना पीसीबी वालों के, पाकिस्तान को उल्टा नुकसान हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कहना, जरा चिल माना, जरा सूटे शूटे मार के डिसीजन लेना। कुछ भर रहे हैं उसके अंदर तो वही भर दो, इजी हो जाओ, ठीक है? बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यस, टेक अ स्टांस, ओके, एंड सेंड अ मैसेज, फॉरफिट द गेम्स, डोंट विथड्रॉ पाकिस्तान फ्रॉम एवरी सिंगल टूर्नामेंट, इससे तो आपकी क्रिकेट को नुकसान है। मगर हाँ, I do agree, if this entire tournament is taken away from Pakistan, then I don't know, man. I don't know. I want them to play this tournament, but नहीं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा तो यार बनना है आपको। आप एक प्रॉपर लाइक हेरिटेज वाला क्रिकेटिंग नेशन हो, ठीक है? टेस्ट क्रिकेट में आप कितनी देर से खेल रहे हो, एंड पाकिस्तान आउटसाइड द बिग थ्री इज वन ऑफ द stronger boards, right? So show that strength to us and just be coy about it. Don't play into the BJPCCI's hands. Don't give them what they want. Be smart and hit them where it hurts. Hit them in the capitalism वाले जो cojones है। मैं सोच ही रहा था कि इसको मैं किधर लेकर जाऊं। Yeah, I don't think there's anything else to add. This was literally like दिल से था ये पूरा पॉडकास्ट। दिल से रे अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, बट वी always pride ourselves on our authenticity and we will always say it as we see it. So we are not here to buckle down or you know give Jay Shah hawk tours. Spit on my thing, नहीं थोड़ा फोर्स था इसका। उस दिन ना आई मेड अ हॉक टू अ गर्ल जोक, एंड सादी ने बाद में कहा तब बड़ी ऑकवर्ड साइलेंस हो गई थी, तो मैंने इसको बोला ऑकवर्ड नहीं, हॉकवर्ड साइलेंस हो गई थी। नहीं जरूरत थी इसकी, सही नहीं निकलता यार पहली दफा में। मजा आया होगा तो फिर से देखना। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दें, हमारे जर्नी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन और इजी पैसा। 0319360254 इज द नंबर। उसके अलावा हमारी बूथियाँ ना पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं। उसके अलावा prosports.pk पे लॉग इन करें, स्टोरीज पढ़ें, और साथ हमारा पॉडकास्ट भी वहाँ पर आप ईजिली सुन सकते हैं। और एक लास्ट मैसेज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऊंडे ना हो जाना। वील सी गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।